आप देख रहे हैं चिनाई लाइव, हर खबर के साथ आज की खास खबर। थाने शहर में छत्री समाज चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हुआ गठन। आप तस्वीरों में देख रहे हैं शिव शांति प्रतिष्ठान के संस्थापक विनय सिंह के नेतृत्व में छत्री समाज कार्यक्रम का आयोजन थाने शिव शांति प्रतिष्ठान कार्यालय पर आयोजित किया गया था, जहां कार्यक्रम में छत्री समाज के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। जी वो छत्रपति शिवाजी महाराज के मूल्यों को आदर्श मानकर उनको अपने जीवन में अनुसरण करने के लिए सभी क्षत्रिय भाइयों को एक सूत्र में बांधने के लिए हम सभी ने यह संकल्प लिया है कि हम पूरे के पूरे थाने जिला को प्राथमिकता के स्वरूप में और संपूर्ण राष्ट्र में विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषणा करनी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंतर्गत हम सभी ने भाई सुधीर सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, भाई विजय प्रताप सिंह जी को उपाध्यक्ष के रूप में, भाई राजेश सिंह मास्टर जी को उपाध्यक्ष के रूप में, भाई शैलेश सिंह जी को उपाध्यक्ष के रूप में, भाई दीपू सिंह जी को महासचिव के रूप में, भाई मनोज सिंह जी को सचिव के रूप में, भाई सुनील सिंह को सचिव के रूप में, भाई प्रदीप सिंह जी को कोषाध्यक्ष के रूप में और भाई राजनाथ सिंह जी, भाई समरजीत सिंह जी, भाई अरविंद सिंह जी, भाई संजय सिंह जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में हमने सभी ने चयन किया है और यह हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी घोषणा है। साथ ही हम लोगों ने ठाणे जिला कमेटी, ठाणे जिला महिला कमेटी, ठाणे जिला युवा कमेटी का भी गठन किया है। ठाणे जिला महिला कमेटी के अंतर्गत, महिला कमेटी से पहले मैं पैरेंट कमेटी की बात करूंगा। ठाणे जिला कमेटी के अंतर्गत भाई श्री प्रमोद साई जी को सर्वसम्मति से ठाणे जिला कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। सर पर ठाणे जिला अध्यक्ष पद पर प्रमोद कुमार साही को चुना गया। समाज के लिए जो भी हमको कार्य मिला है, छत्री समाज के प्रति हमको ये लोग चुने हैं थाना जिला अध्यक्ष के रूप में, इसके लिए हम आप सब समाज को जोड़ना और सभी धर्मों को जोड़ना, यही नहीं कि क्षत्रिय को ही जोड़ना है। क्षत्रिय तो हमारा धर्म, धर्म के जो सामाजिक लोग हैं वो तो जुड़ेंगे, हम सभी लोगों को जुड़े ताकि सब लोग आगे आए और हमारे समाज के लिए एक अच्छा कार्य और मिसाल काम है। तो वही कार्यक्रम के दौरान कार्यकारिणी के अन्य पदों के नामों का ऐलान भी किया गया। साथ ही कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत साल श्री फल देकर किया गया। आगे देखिए पूरी खबर विस्तार से। छत्री समाज चैरिटेबल ट्रस्ट का सबसे प्रमुख उद्देश्य है शिक्षा, दूसरा है विवाह शादी, तीसरा है हमारा समन्वय, हमारे समाज को एकत्रित करना, हमारे अर्श से लेकर के फर्श तक जितने भाई बिछड़े हुए हैं सबको एक साथ लाना, एक मंच पे लाना। इसके बाद शिक्षा के बारे में जैसा अध्यक्ष जी ने बोला, कार्याध्यक्ष ने बोला, फिर तीसरा आता है हमारा विवाह शादी का। आज हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी समस्या केवल विवाह शादी की, अच्छे घर की लड़कियां अच्छे घर नहीं पहुंच पा रही, उसके लिए भी हमने मैरिज ब्यूरो बनाया है, छत्री समाज विवाह मंच बनाया है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई साहब को जिम्मेदारी दी गई है, उसके हिसाब से हम कार्य करेंगे। रवि सिंह, मैं इस क्षत्रिय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट का मार्गदर्शक। इसका उद्देश्य तो आपको मालूम पड़ गया, लोगों ने बहुत समाज में बहुत सारी संस्थाएं हमारे बम्बई थाने के अंदर बनाई, लेकिन वो संस्थाएं किसी कारणवश नहीं चल पाई। इसका दो तीन रीज़न होता है, या तो उसमें राजनीति आ जाती है या तो उसमें ईगो आ जाता है। लेकिन ये जो छत्तीस समाज चैरिटेबल ट्रस्ट बना है, ये हम और प्रभाकर पप्पू सिंह ने 8 महीने से इसको बहुत तरीके से पिरोया है, बहुत तरीके से मांझा है इसको हमने, और मांझ करके फिर इसको हमने आगे चमकाने की कोशिश करी है। इस संस्था में जिसको काम करना है, राजनीति को अपने घर पे रख के,
ईगो पे अपने घर पे रख के वो आ जाए और इस संस्था से जुड़े, विभाग में जाएंगे, शिक्षा अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे और अपने चाहने वालों को सबको शिक्षित करेंगे। और सबसे फर्स्ट हमारा उद्देश्य रहेगा शिक्षा। हम जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं और स्कूल में अपना फीस नहीं भर पा रहे हैं किसी कारण से, गरीबी के कारण से, हम उनका डिटेल निकालेंगे, कॉलेज में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, उनका डिटेल निकालेंगे और कॉलेज में और स्कूल में वो फीस भरेंगे, न कि उनके गार्जियन को देंगे। शिवम।